Bismillah ar-rahim assalamu Alaikum students, our topic for today is flood. It is also a type of natural disaster because it caused destruction to mankind in terms of loss of life and property. Let us have a look on definition of flood. An overflow of river water out of its channel, which may cause damage to the nearby settlements, is called flood. Jab राइज़ होता है भर जाता है और पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो चैनल्स के बाहर से उसके किनारों से बाहर ओवरफ्लो होता है और आस पास के जितने भी इलाके हैं उनको डैमेज कर देता है चाहे वो बिल्डिंग्स हों हाउसेस हों व्हीकल्स हों या इंसान हों उनको ख़तरा पहुँचता है डिस्ट्रॉय होती है तबाही जो है वो हो जाती है तो उसकी उसको हम फ्लड कहते हैं और दरिया का पानी जब बाहर निकलेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा और स्पीड की वजह से वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डैमेज कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा देर आर थ्री मेजर कॉजेज़ ऑफ फ्लड फर्स्ट वन इज़ हैवी रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो दरिया में पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और दरिया में पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर वो ओवरफ्लो होके फ्लड की वजह बनता है द सेकेंड कॉज इज़ स्नो मेल्टिंग जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है ड्यूरिंग समर सीज़न टम्परेचर राइज़ होता है और बर्फ पिघलती है तो ये जो बर्फ़ है ये पानी की सूरत में पिघल कर दरियाओं में शामिल हो जाती है और दरिया के पानी का लेवल जो है वो इनक्रीज़ कर जा देती है जिसकी वजह से भी पानी ओवरफ्लो हो सकता है और फ्लड की वजह बन सकता है द थर्ड कॉज इज़ कोलेप्सड डैम जब डैम में कोई दरार आ जाती है या डैम्स टूट जाते हैं तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही करेगा और स्टूडेंट्स डैम्स में सबसे ज़्यादा पानी की स्टोरेज होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है तो अगर डैम जो है वो क्लेप्स करेगा तो बहुत मेजर लेवल पर जो है वो फ़्लड आ सकता है और बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है आसपास के इलाकों में इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड नाउ वी विल रीड दैट वट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन ह्यूमन लाइफ इट कैन डैमेज एनी कंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क अनसीमेंटेड हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स विदाउट डीप फाउंडेशन ये हर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा कोई भी कंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क है जिस जो कि सीमेंट से नहीं बना हुआ वो घर जो कच्चे होते हैं जो लोगों ने लकड़ियों से घर बनाए होते हैं या ईंटों से बनाए होते हैं सीमेंट से नहीं बनाए होते घर जो कच्चे मकान हैं वो तबाह हो सकते हैं और वो बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो सकती हैं जिनकी डीप डीप फाउंडेशन नहीं है ज़्यादा गहरी बुनियादें नहीं हैं बहुत थोड़ी बुनियादें हैं तो वो जो है वो बहुत जल्दी जो है वो टूट के गिर जाएंगे एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स द सेकेंड कॉज इज़ द सेकेंड इम्पेक्ट इज़ इट मे डिस्ट्रॉयज़ ब्रिजिज़ एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर के जो पानी है फ्लड है जब सिलाब आएगा तो वो ब्रिजेस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा पुल गिर के टूट सकते हैं और पुल जो है वो भी पानी में बह सकते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हाफ़ पुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है टूट चुका है और हाफ जो है वो पानी के अंदर है इट मे डिस्ट्रॉय रोड्स जब पानी बहुत फ्लो के साथ आएगा तो वो रोड्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा एज़ यू कैन सी इन दिक इन दिस पिक्चर और जब स्टूडेंट्स रोड्स में अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ हुआ होता और अच्छे मटेरियल से रोड नहीं बनाई जाती तो जब पानी इतनी स्पीड के साथ रोड पर आता है और गिरता है तो रोड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इट में डिस्ट्रॉयज कम्युनिकेशन लाइन्स हमारी जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं टेलीफोन की लाइंस होती हैं टेलीफोन के पोल्स होते हैं अगर उनकी फ़ाउंडेशन डीप नहीं है उनको अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया कमज़ोर पोल हैं कमज़ोर तारें हैं बिजली की तो वो भी पानी के इतने फ्लो के साथ आने से गिर सकती हैं और तबाह हो सकते हैं नेटवर्क जो है वो डिसकनेक्ट हो सकता है इट मे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स फॉर्म्स ऑर्चर्स लाइफ स्टॉक एंड कल्चरल मोनोमेंट्स कोई भी आसपास के इलाके में फ़सल है आ, फॉर्म्स हैं बाघ हैं या चरागाहें हैं ये हर चीज़ को तबाह कर देगा जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पक्की फसल है वो भी सैलाब ने ख़राब कर दी है पानी की वजह से जब पानी भर जाएगा फसल के अंदर तो फसल भी तबाह हो जाएगी लॉस ऑफ लाइव स्पेशली ऑफ वुमन चिल्ड्रन एंड एजड कैन अकर अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स जानी नुकसान भी होगा और ज़्यादातर जो है वो औरतों बच्चों और बूढ़ों की डैथ होती है क्योंकि वो ज़्यादातर देर होल्ड नहीं कर सकते पानी को उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो पानी को होल्ड कर सकें और सेकेंड सेकेंडली स्टूडेंट्स जब पानी इतनी देर तक खड़ा रहेगा तो पानी की वजह से पानी के खड़े होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल जाएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया डेंगी ये सारी चीज़ें पानी के रुक जाने की वजह से पानी के फै उस जगह पर ज़्यादा दिन रुकने की वजह से भी ये बीमारियाँ जो हैं वो फैल सकती हैं फ्लड इन पाकिस्तान वी विल सी दैट व्हाट आर द रीज़न्स ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान पाकिस्तान हैज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ़ रिवर्स फ्लोइंग आउट ऑफ़ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस दीज माउंटेन रेंजेस आर होम ऑफ हीज ग्लेशियर्स आउटसाइड्स द पोलर एरियाज़ पाकिस्तान में दरियाओं का एक कुदरती निज़ाम है जो कि हमारे शुमाली पहाड़ी सिलसिले से बह रहे हैं माउंटेन uh, जो रेंजेज़ हैं हमारी नॉर्दर्न साइड पर उनके अंदर से जो है वो दरिया बह रहे हैं और आपको पता है कि इन माउंटेन रेंजेज़ में बर्फ़बारी भी होती है विंटर सीजन में यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं मेल्ट वाटर स्ट्रीम फ्राम ग्लेशियर फीड दीज रिवर्स समर सीजन में जब टेम्परेचर राइज़ होगा तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं स्नो जो है वो मेल्ट होती है और ये पानी की फॉर्म में मेल्ट होकर पानी की फॉम में इन दरियाओं में शामिल हो जाती है द अपर प्लेन्स ऑफ दीज रिवर्स आर सिचुएटेड इन द रनी मानसून रीजनज और ये जो इलाके हैं जहाँ पर ये दरियाँ हैं ये इलाके मानसून रीजन में भी आते हैं लाइक like समर में जब मानसून सीजन आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं मानसून की जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है इन समर्स द मूनसून रेंज अलॉन्ग विद द मेल्ट वाटर स्ट्रीम फ्राम ग्लेशियर्स कॉज हैवी फ्लडिंग इन द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान सो देर आर टू रीज़न ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान कि जब समर सीज़न आएगा तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेज़ में मौनसून बारिशें भी होंगी और उसकी वजह से भी पानी का लेवल राइज होगा और सेकेंडली जब ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे स्नो मेल्ट होगी तो वो मेल्ट होकर भी पानी की सूरत में इन दरिया में जो है वो गिरेगी तो जब दो चीज़ें दो चीज़ों की वजह से पानी का लेवल राइज़ होगा तो ये फ्लड का रीज़न जो है वो बनेगा पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादातर समर सीज़न में ही जो है वो फ्लड आता है पाकिस्तान में और उसका यही रीज़न है कि बारिशें भी शुरू हो जाती हैं और साथ स्नो भी मेल्ट होने लग जाती है तो एकदम से पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है now we will read about the safety measures which we uh, should adopt to mitigate the loss of life here i want to tell you something students that you cannot stop the natural disaster aap natural disaster ko rok nahi sakte koi bhi kudrati aafat aane se aap rok nahi sakte lekin aap safety measures jo hai wo adopt karke loss of life loss of property जो hai वो कम कर सकते हैं। आप नुकसान को कम कर सकते हैं। if you are well aware about the safety measures so let let us have a look on the safety measures of flood अवेयरनेस अबाउट द फ़्लड रिस्क शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ़ एरियाज़ वॉलरेबल टू फ्लड्स उन उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब आता है उन लोगों को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए फ़्लड रिस्क के बारे में कि जब फ्लड आता है तो उनको क्या करना चाहिए घरों में रहना चाहिए ड्राइव नहीं करना चाहिए पानी में नहीं जाना चाहिए और बिजली के पोल से दूर रहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देना चाहिए ताकि करंट पानी में शामिल ना हो जाए हमें इन सारी चीज़ों से उनको अवेयर करना चाहिए कि जब सैलाब आ जाएगा तो वो कैसे खुद को और अपनी प्रॉपर्टी को बचाएंगे इवैक्यूएशन प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड टू गेट पीपल आउट ऑफ डेंजरस एरिया इवैक्यूएशन प्लान एग्जिट प्लान को कहते हैं मीन्स कि हमें वो प्लान पता होना चाहिए कि किन प्लान्स के थ्रू हम लोगों को उन ख़तरनाक इलाकों से जहाँ पर फ्लड आया हुआ है उन इलाकों से हम कैसे जो है वो लोगों को बाहर निकालेंगे गवर्नमेंट्स को ये गवर्नमेंट को ये प्लान्स पहले से बना के रखने चाहिए कि अगर फ्लड आ जाए तो हम लोगों को कैसे और किस प्लान के थ्रू जल्दी से उन इलाकों से सेफ़ली जो है वो सेफ़ इलाक़े की तरफ ले आएंगे Electricity and gas supplies should be disconnected to avoid any accident. हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कनेक्शन को जो है वो डिसकनैक्ट कर दें ताकि जो है वो करंट जो है वो पानी में शामिल ना हो जाए अगर पोल गिरेंगे तो बिजली की तारों में करंट होगी डिसकनेक्ट नहीं होगा कनेक्शन होगा तो करंट जो है वो पानी में फैल सकती है और बड़े पैमाने पर तबाही कर सकती है ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है कैम्प शुड भी इस्टेब्लिश इन सेफ एरिया टू प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द इफेक्ट नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द सेफ्टी मयर्स विच वी शुड डू वैन देयर इज़ फ्लड जब सैलाब आ गया है तो हमें कौन से जो है वो सेफ़्टी मयर्स करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्दी से कैम्प जो है वो लगा दें सेफ एरियाज़ में ताकि जिन लोगों को बचा के लाया जा रहा है उनको वहाँ पर शेल्टर पनाह जो है छत जो है और ख़ुराक जो है प्रोवाइड की जा सके Efforts should be made on governmental and non-governmental side for the construction of houses and rehabilitation of the affected. गवर्नमेंट लेवल पर और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर दोनों एन जी ओज़ हुकूमत भी काम करे और जो फ़लाही इदारे होते हैं वो भी काम करे कि लोगों की हाउसेस की जो है वो दोबारा से तमीर की जा सके जो लोगों के मकान जो हैं वो फ्लड की वजह से सैलाब से गिर गए हैं तबाह हो गए हैं उनको दोबारा से जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करवाया जा सके गोरमेंट को ये जो है वो प्लान करना चाहिए हेल्प आउट करना चाहिए और एन जी ओज़ को भी करना चाहिए एंड सेकेंडली जो है वो कैसे हम लोगों को दोबारा से सेफ इलाकों में छोड़ के आएंगे वो भी प्लान जो है वो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स शुड बी मेड फॉर द रिटर्न ऑफ फैक्ट्रीज टू देयर होम प्रॉपर हमें अरेंजमेंट्स बनानी चाहिए कि जो अफेक्ट हैं मुतासरीन हैं जो मुतासर हुए हैं उस फ्लड से उनको दोबारा वापस उनके घरों में हम कैसे छोड़ के आएंगे ये अरेंजमेंट्स भी हमें करनी चाहिए ये नहीं कि हम सिर्फ जब जल सैलाब था तो हम उनको उनके इलाके से सेफ़ली ले आए कैंप्स में रख दिया लेकिन जब सैलाब ख़त्म हो गया पानी जो है वो निकाल दिया गया इलाके जो है वो सेफ़ हो गए तो वो उधर ही रहें उनको वापस छोड़ के आने के लिए भी अरेंजमेंट्स जो हैं वो गोवमेंट को और एन को प्रॉपर बनाने चाहिए आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव थैंक्स फॉर वॉचिंग